तो इस वीडियो में हम लोग कोक स्टूडियो बांग्ला के एक नए गाने पे रिएक्ट करेंगे, उसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे, जिसका नाम है उबाग भालो भाषा। तो लेट्स सी कि इस गाने में इन लोगों ने क्या नया किया है। Alright, क्या बात है। सबसे पहले अगर हम इंट्रो को एनालाइज करें तो दिस वॉज साउंडिंग सो मैजिकल, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक मूवी का बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, जैसे कि पद्मावत या फिर बाहुबली मूवी का कोई सीन चल रहा है एंड उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। शुद्ध जगे था कोई दूरे तारारा सब शब्द थे मे जागनी स्तब्धताय शुद्ध जगे था कई सगो अमार पाशे आहा आहा क्या बात है। अगले सेक्शन पे जाने से पहले मैं बस ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने म्यूजिक को इवॉल्व किया, जिस तरह से वो गिटार के प्लक्स आए और ड्रम्स इंट्रोड्यूस हुए, वो काफी ज्यादा सोलफुल बना रहा था गाने को। एंड इवन दो मैं इस लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ, स्टिल मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस गाने को सुनने में, बिकॉज सिंगर का जो वॉइस टेक्सचर है वो काफी ज्यादा सूदिंग साउंड कर रहा है। आगे देखते हैं गाना कैसे इवॉल्व होता है। हृदय भरे जागो स्थितेर आनंदे हृदय गहिने अबाक दृष्टिते थमके दाड़िए छे महाकाल। बहुत ही ज्यादा सुंदर। आई रियली लव जिस तरह से बेस लाइन में ये लोग चेंज लाए, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं ग्रूव को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया और इससे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि गाने की जो पेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे देखते हैं। इसको आगे सुनने से पहले सबसे पहले इस सेक्शन को एनालाइज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि जैसे स्केल चेंज होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, अभी मैंने आगे नहीं सुना इस गाने को, बट मजा आएगा, उसको सरप्राइज की तरह रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इस सेक्शन में मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व की, कि पीछे मेरे को दिख रहा है कि काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रिंग्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे को गाने में स्ट्रिंग्स सुनाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि वो गाने में कहीं ना कहीं पीछे दब गई हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेवल उनका बढ़ सकता था, बिकॉज इस फील को वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सुन के देखिए एक बार। तो ये जो नोट्स प्ले कर रहे हैं वो नोट्स इतने क्लियरली ऑडिबल नहीं है, इवन दो ये जो बेस बज रहा है बेस हमें स्टिल सुनाई दे रहा है, बट अगर मैं वायलेंस की बात करूं या हायर ऑक्टेव वाली स्ट्रिंग्स की बात करूं तो वो मेरे को कुछ खास सुनाई नहीं दे रही है। नेवर्थलेस आगे सुन के देखते हैं। शुभ्रो बालीर शोय कोते एलो मेलो बाताशे गिटार हाते। क्या बात है, यहाँ पे जाके मेरे को वो स्ट्रिंग सुनाई दी। तो आई थिंक जो हम लोगों ने पीछे पॉइंट हाईलाइट किया है वो इन लोगों ने फिक्स कर दिया है आगे। तो मुझे लगता है कि अरेंजमेंट वाइज इन लोगों ने इंटेंशनली इस चीज को किया होगा कि पीछे स्ट्रिंग्स को कम सुनाया और यहाँ पे उसका लेवल बढ़ा दिया। और मुझे ये चीज फील होती है कि फिर वीडियो में दिखाने की उसको जरूरत नहीं थी अगर इन लोगों को बाद में स्ट्रिंग्स को रिवील ही करना था। सो वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह एड करता। All right, so
आई डोंट नो मैं इसमें क्या हाईलाइट करूं सेक्शन में, बिकॉज जिस तरह से नोट्स चेंज हो रहे थे, जिस तरह से इन लोगों ने ऑफ कॉर्ड्स का यूज किया, वो चीज मेरे को काफी खूबसूरत लगी. एंड आई मस्ट से दैट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन. एंड मेरे को लगता है कि मेरे को अपने गिटार के साथ बैठना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन लोगों ने यहाँ पे कौन सी कॉर्ड्स यूज किए, कौन से नोट्स यूज किए. बिकॉज ये तो पता चल रहा है कि स्केल के बाहर के भी कुछ नोट्स यूज हुए हैं, कुछ ऑफ कॉर्ड्स का इन्होंने यूज किया है. सो उसको एनालाइज करने में बहुत मजा आएगा. Another beautiful section. मतलब बहुत मजा है इस सेक्शन को सुन के. जिस तरह से इन्होंने फ्लूट प्ले की, म्यूजिक को थोड़ा सा हल्का किया और जो स्ट्रिंग्स का लेवल है स्पेशली द बेस उसको लाउड किया. एक छोटी सी चीज जो मेरे को फील हुई कि वो जो स्ट्रिंग्स में स्टकैटो प्ले हो रहा था, बेसिकली वो जो म्यूटेड नोट्स बचते हैं स्ट्रिंग में उनको थोड़ा सा लाउड किया जा सकता था. बिकॉज आपको फील होगा कि पीछे स्ट्रिंग्स तो चल रही है जो वो हाई नोट्स प्ले कर रही है, शॉर्ट नोट्स प्ले कर रही है, बट वो क्लियरली ऑडिबल नहीं है. एक बार इस सेक्शन को सुन के देखिए. तो ये सेक्शन वाकई में काफी खूबसूरत है. मेरे को बस वो स्ट्रिंग्स वाला पॉइंट लगा कि अगर उसको हाईलाइट कर देते तो थोड़ी सी और टेंशन क्रिएट होती, एक म्यूजिकल एलिमेंट ऐड हो जाता. आगे सुनते हैं सोलो के बाद कैसे ट्रांजिशन हुआ. क्या बात है, एक और मजेदार सेक्शन मेरे को पता है आगे आने वाला है. बट क्योंकि हमने इतना बड़ा सेक्शन सुन लिया है तो उसको एक बार एनालाइज करते हैं. बिकॉज कुछ अच्छी चीजें भी लगी मेरे को इस सेक्शन में, येट कुछ एडिशन्स है मेरे जो मेरे को लगता है कि और बेटर बना देते हैं इस सेक्शन को. जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट व्हेन दिस सेक्शन स्टार्ट्स, यहाँ पे हमें ये वाला फ्रेम दिखता है. एंड यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने पियानो पे स्विच किया वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था. लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, इन लोगों ने वो रंबल इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे वो अर्थक्वेक वाला इफेक्ट होता है जो यूजुअली सिनेमा हॉल्स में हमें फील होता है थोड़ी सी एनर्जी डालने के लिए गाने में. लेकिन जैसे ही गिटार वाला सेक्शन आया वैसे सारा बेस गायब हो गया गाने में से. एंड कहीं ना कहीं ये जो गिटारिस्ट एग्रेशन कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी सी एनर्जी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे को थोड़ी सी हल्की लगी. बिकॉज बेस जो होता है वो आपके गाने को भरता है और इस सेक्शन में तो स्पेशली मेरे को लगता है नीड थी. बिकॉज अगर ये लोग यहाँ पे बेस डाल देते तो ये जो गिटार्स का इम्पैक्ट है ये कम से कम 5 गुना बढ़ जाता. आगे सुन के देखिए, सेम चीज मेरे को फील हुई आगे वाले सेक्शन में जहाँ पे ये वाले गिटार्स इंट्रोड्यूस होते हैं. तो वापस जो रंबल है वो टूवर्ड्स ही इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़े लेवल पे तो थ्रू आउट रखा जा सकता था यहाँ पे. या इफ नॉट रंबल एटलीस्ट एक सब बेस डाल सकते थे, बिकॉज जो बेस लाइन भी चल रही है गाने में वो काफी ज्यादा पीछे साउंड कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस गाने के मिक्स की बात करूं तो पर्सनली मिक्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया. बिकॉज आई टोटली रिस्पेक्ट कि स्ट्रिंग्स को ऊपर करना या बेस को कम करना ये कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव कॉल होती है और इसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व होता है, कंपोजर भी इन्वॉल्व होता है. तो हम लोग मिक्स इंजीनियर पे तो इस चीज को नहीं डाल सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल गाना काफी क्लीन साउंड कर रहा है एंड सोनिक के लिए काफी ज्यादा फुलफिलिंग है. Ah, 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 ah.
नाइस, बहुत ही ज्यादा सुंदर सेक्शन है। एंड वही सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी फील हुई। पीछे अगर आप देखेंगे तो काफी सारे लोग हैं जो कि स्ट्रिंग सेक्शन प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल हमें सुनाई नहीं दे रही है स्ट्रिंग्स। तो मुझे लगता है कि ये जो पीछे स्ट्रिंग्स प्ले हो रही है, स्पेशली ये जो स्टकैटोस प्ले हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा और एनहांस कर सकते थे इस सेक्शन में भी, बिकॉज अब तो गाने की कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है और वो एक यूनिक फ्लेवर ऐड करता है इस सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो नए सिंगर इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनका भी जो वॉइस टेक्सचर है वो काफी सही साउंड कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाने की वाइब को। ऑल्सो एक और चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी आई गेस इस सेक्शन में, जहाँ पे इन लोगों ने फ्लूट के फिलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि अगेन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगे, काफी सही टेंशन क्रिएट कर रहे थे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आगे सुन के देखते हैं। कष्टे बोए जाक, सुखेर झड़ हृदये भरे जाक, सहज नील स्वप्ने हृदये गहिने। So, मैं exactly इसी चीज की बात कर रहा था जो आप लोगों को इस सेक्शन में सुनाई दे रही होगी। इस पूरे सेक्शन में आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, स्पेशली अपने राइट साइड से, आपको फील होगा कि वो जो वायलिन पे स्टकैटो बज रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है गाने को। एक और सेक्शन जहाँ पे इन लोगों ने नोट चेंज कर दिया, लेकिन उसको सुनने से पहले फिर से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरे को बहुत सुंदर लगा जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग्स इंट्रोड्यूस हुई दोबारा से, बट आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं इट लैक्स सम बॉडी। एंड क्योंकि हम लोग अब गाने के एंड में पहुंच गए हैं, तो मेरे को लगता है कि स्ट्रिंग्स को और ज्यादा ह्यूज साउंड करवाया जा सकता था और लाउड किया जा सकता था, ताकि वो जो गाने की फील है, गाने की एंडिंग है, वो काफी ज्यादा इंटेंस साउंड करे। क्या बात है, ब्यूटीफुल फीमेल बैकिंग्स। मेरे को वो जो कॉयर की लेयर्स हैं पीछे वो भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हेलो मेलो बाताशे गिटार हाथे निस्तब्धता चौचीर उन्माद झंकारे कांदी अबाक सुखेर कान्ना जेन चुनी हीरा पन्ना सागरेर बुके अल्पना एके दिए जाए अबाक भालो लास्ट सेक्शन सुनने से पहले फिर से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो येट अगेन द कॉम्पोजिशन इज सो ब्यूटीफुल, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, मैं तो एनालाइज करना चाहूंगा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या कॉर्ड्स यूज किए हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना रही है गाने को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से वो जो पहले सिंगर है उनकी आवाज इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की, वो लास्ट लाइन मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगी। एंड अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो वो पता ही नहीं चला कि कब एक्चुअल में शुरू हुई और किस तरह से ब्लेंड इन हो गई, तो हम ऑडियो इंजीनियर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक एलिमेंट को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इतना स्मूथली किया जाए कि लिसनर को पता ही ना चले कि वो कब आया और कब चला गया, तो उस चीज ने भी कहीं ना कहीं एलिवेट कर दिया इस गाने को। आगे सुनते हैं, देखते हैं ये गाना कैसे एंड हुआ। ऑलराइट, इस सेक्शन को आगे सुनने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, शायद ये मेरा सब्जेक्टिव पॉइंटर है, बट कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रिंग सेक्शन का बेस पीछे चल रहा था वो समहाउ मेरे को लगा गिटार की टोन्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उनके साथ जा नहीं रहा है। रादर देन यूजिंग दैट, अगेन बेस गिटार के साथ यहाँ पे खेला जा सकता था, कुछ इंटरेस्टिंग ग्रूव इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, बिकॉज इस गाने के जो बेसिस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी काफी खतरनाक परफॉर्मेंस दी है, सो आई थिंक उस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता था।
सो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि ये गाना ऑल दो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसकी कॉम्पोजिशन का मैं खुद फैन बन गया हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स भी नहीं मिले मेरे को इस गाने में, बस थोड़ी बहुत सब्जेक्टिव चीजें मैंने शेयर की है इस वीडियो में. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को एक चीज फील हुई कि इस गाने की जो एंडिंग थी वो और ज्यादा ग्रैंड बन सकती थी, बिकॉज ये गाना जितना म्यूजिकली कॉम्प्लेक्स है मेरे को लगता है कि उतना काम नहीं हुआ अरेंजमेंट वाइज, बिकॉज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को और ज्यादा बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सकता था और ज्यादा इसको फुलफिलिंग बनाया जा सकता था. वैसे तो मैं कोई भी नहीं होता इस गाने को जज करने वाला, लेकिन स्टिल मेरे लिए 10 में से 9 नंबर तो कम से कम बनते हैं इस गाने के लिए. बस मेरे को ये चीज फील होती है कि अगर इन छोटे मोटे पॉइंट्स पे काम कर लिया जाता तो शायद ये गाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बन जाता, बिकॉज चाहे कुछ भी हो स्टिल मेरे को फील होता है दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स जो मैंने इस कोक स्टूडियो के सीजन में सुने. बाकी इनकेस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि अगले कौन से गाने को मैं रिव्यू करूं. ऑल द बेस्ट. बोका चोदा कौन बोला? ऐसे जो बैठ के बजाते हैं ना, दैट इज द वो. अजीब नहीं लग रहा वो... जैसे कि पद्मावत या बाहुबली. बुली हो गया यार.